नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। नवरात्रि में बिना बुझे अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान होता है, लेकिन नवरात्रि में ही क्यों जलाई जाती है, अखंड ज्योति का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्चना झा चौधरी ब्लॉग। गाइस, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व होता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। हर साल नवरात्रि पर माता रानी का आगमन विशेष वाहनों पर होता है, जिसका खास महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और अखंड ज्योति को भी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो अखंड ज्योति से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है, अपने भक्तों को मनवांछित आशीर्वाद देती हैं। तो भक्तों, नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति के कुछ खास नियम भी होते हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार घर में कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योति का मतलब है ऐसी ज्योति जो खंडित न हो। अखंड ज्योति से घर में खुशहाली आती है, माता प्रसन्न होती है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बताया जाता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति का बुझना अशुभ होता है। समय समय पर दीपक में तेल डालना और उसे हवा से बचाकर रखना होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का पहला नियम, ज्योति की देखरेख के लिए कोई न कोई उसके आसपास जरूर रहे। ज्योति प्रज्वलित का मतलब होता है कि 9 दिन माँ आपके घर में विराजमान है। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से पहले माँ की आराधना करें। ज्योति प्रज्वलित करने के लिए कलश या फिर चौकी का प्रयोग करें। अगर चौकी पर ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, और अगर कलश के ऊपर ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसके नीचे गेहूं रखें। अखंड ज्योति की ज्योत को रक्षा सूत्र से बनाना सही माना जाता है। ज्योत जलाने के लिए घी, सरसों तेल या तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अखंड ज्योति को माँ दुर्गा के दाएं ओर रखना चाहिए। बताया जाता है कि अगर दीपक में सरसों का तेल डाला गया है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से पहले भगवान गणेश, माँ दुर्गा की आराधना जरूर करें। माँ दुर्गा मंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का जाप करें। अखंड ज्योति को हवा से बचाकर रखें। ध्यान रखें कि अखंड ज्योति 9 दिन तक किसी भी हवा में बुझना नहीं चाहिए। जैसे कि दीपक में घी या तेल कम हो तो तुरंत उसमें डाल दें। अगर बाती छोटी हो गई हो तो बाती को थोड़ा बढ़ा दें और पूरे 9 दिनों तक दीपक की रक्षा करें। 9 दिन के बाद 10वें दिन, जिसे दशहरा दिन कहते हैं, उस दिन दीपक को अपने आप बुझने दें। अगर इस नियम से आप अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में खुशहाली आती है। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली तक भी पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी पता चले कि अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें, कॉमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी, जय माता दी।